तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भोला पांडे और आप लोग देख रहे हैं भोला पांडे ब्लॉग्स। अभी हम लोग हैं गिरौदपुरी में और हम लोग जा रहे हैं गिरौदपुरी के बाबा घासीदास जी के मंदिर प्रांगण में। तो चलिए लाइन पर बने रहिएगा, यानी वीडियो पर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का जो बटन दिखाई दे रहा है आपको उसको दबाना ना भूलिएगा। अभी हम लोग यादव जी है, पूरा टीम है हमारा और हम लोग चल रहे हैं अभी गिरौदपुरी धाम। तो चलिए वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों और मिलते हैं गिरौदपुरी में। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं प्रवेश द्वार में। ये देखिए, ये है प्रवेश द्वार, यहाँ से हम लोग लेते हैं प्रवेश। ये देखिए ऐसा कुछ गेट बना हुआ है और यहाँ से हम लोग प्रवेश करते हैं अपने कार के माध्यम से। बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस है यहाँ, मेरा तीसरा बार आना हो रहा है यहाँ पर। देखिए हम लोग अभी मेन गेट से प्रवेश कर लिए हैं। यहाँ पर 500 से 700 मीटर की दूरी पर है मंदिर और जो जैतखाम खम्बा है आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ से। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा जैतखाम खम्बा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। चलिए मंदिर जाते जाते गुरु घासीदास बाबा जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं प्रदान कर लेता हूँ आप लोगों को। गुरु घासीदास बाबा जी का जो जन्म हुआ है वो 18 दिसंबर 1756 में भारत के राज्य छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार भाटापारा जिले में गिरौदपुरी में हुआ। इनके माता पिता का नाम महंगूदास एवं माता अमरावती थी। गुरु घासीदास जी के सतनाम धर्म में, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सतनामी समाज कहा जाता है, उनके प्रवर्तक थे। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं जैतखाम खम्भा के पास, इसको बाद में देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो इनका जो एक जन्म है एक साधारण परिवार में हुआ है। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर कुठारघात किया जिसका असर आज भी दिखाई देता है। इनकी जयंती हर साल पूरे छत्तीसगढ़ में 18 दिसंबर को मनाया जाता है। गुरु दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के पास और ये है पार्किंग स्पेस, यानी गाड़ी वगैरह यहाँ पर खड़े करते हैं। अभी मेला शुरू होने वाला है कुछ दिन में, पूर्णिमा मेला, तो यहाँ पर मेला भराएगा। ये सामने जो दिखाई दे रहा है इधर है मंदिर। तो चलिए मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। सामने देख रहे हैं आप लोग, ये है गुरु घासीदास बाबा जी का मंदिर और बहुत सारा भीड़ भाड़ है क्योंकि मैंने बताया ना अभी कि कुछ दिन में पूर्णिमा वगैरह में यहाँ पर मेला लगता है 2-3 दिन का। रोड भी बन रहा है सामने में, मैं शायद उसको आपको दिखा नहीं पाया। तो चलिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। बहुत बड़ा यहाँ पर घंटा लगा हुआ है, घंटी नहीं बोलेंगे, घंटा बोलेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है। चलिए घंटा बजाते साथ अंदर प्रवेश करते हैं। देखिए भीड़ भाड़ है और मज़ेदार चीज़ ये है कि देखिए अगल बगल पूरा नारियल बंधे हुए हैं। कोविड के कारण यहाँ पर देखिए गोल गोल ऐसा सर्कल बना हुआ है ताकि लोग दूर दूर खड़े होकर के दर्शन कर सकें। ये देखिए ये है बरामदा जैसा और सामने में मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है, उसको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। ये जो सामने में दिखाई दे रहा है ना, ये वाला भाग आप लोग देख सकते हैं, ये है मुख्य मंदिर, गुरु घासीदास बाबा का मुख्य मंदिर है ये। और यहाँ पर है भीड़ और ये जस्ट सामने में है गुरु घासीदास बाबा जी का समाधि स्थल। आप लोग दर्शन कर रहे हैं समाधि स्थल का, ये समाधि स्थल है, मैंने पूछा तो बताया अभी। और ये देखिए यहाँ पर चांदी का एक सिंहासन रखा हुआ है मंदिर के अंदर और इन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। ये देखिए चांदी का सिंहासन है गुरु घासीदास बाबा का, यहीं पर पूजा पाठ किया जाता है जो जल रहा है निरंतर यहाँ पर। आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा अंधेरा है, ये मुख्य मंदिर है और मुख्य मंदिर में आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ है। और देखिए बच्चे पर यहाँ पर जो है परिक्रमा कर रहे हैं। छोटा सा मंदिर है मगर बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है, वाइट कलर का। और उनके सामने में ये देखिए एक चबूतरा जैसा बना हुआ है, पेड़ पौधे लगे हैं, समाधि स्थल है और यहाँ पर एक बाबा जी जो है वो बैठे हुए हैं, मंदिर जैसा बना हुआ है छोटा सा। ये देखिए बातचीत कर रहे हैं और थोड़ा सा आगे दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ये देखिए ये है कुंड, ये कुंड जो है वो अमृत कुंड कहलाता है। अमृत कुंड की तरफ अभी मैं लेके नहीं जा रहा हूँ आपको, समय का थोड़ा सा अभाव है।
अगले बार आऊँगा तो अमृत कुंड के बारे में ज़रूर बताऊँगा। और यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे, ऊपर चलेंगे। पहले एक बार और मंदिर का आप लोग अच्छे से दर्शन कर लीजिए। ये है मुख्य मंदिर, ये देखिए। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं और दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए, दो शेर है मंदिर जैसे, मंदिर ही बना हुआ है, दो शेर है। चलिए यहाँ पर चलते हैं और क्या है अंदर में वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर दोस्तों 3 बार आ चुका हूँ और अभी मुझे वीडियो बनाने का थोड़ा सा मौका मिला है, तो आपको शॉर्टकट में ये सब दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर फ़ोटो वगैरह खिंचाया जा रहा है। और इस मंदिर के पास में चलेंगे, ऊपर चलते हैं और यहाँ मैं दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है। मुझे पता है कि यहाँ पर भी चांदी का सिंहासन ही होगा। जितने मंदिर हमने अभी तक से देखे हैं वहाँ पर एक चांदी का सिंहासन होता है और वहाँ पर पूजा अर्चना किया जाता है। ये देखिए, ये देखिए, आप लोग वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, चांदी का बहुत बड़ा सिंहासन है और यहाँ पर भी जोत जल रहा है। चलिए यहाँ से बाहर का नज़ारा देख लीजिए, मंदिर के ऊपर में खड़ा हूँ मैं और यहाँ से ऊपर से नज़ारा देख लीजिए, सामने में जो है मंदिर है। यहाँ भी चलते हैं, यहाँ पर भी मेरे ख्याल से चांदी का सिंहासन ही रहेगा। और आप लोग दर्शन कर लीजिएगा, गुरु घासीदास बाबा के मंदिर पर हैं। इसके पश्चात हम लोग चलेंगे जैत खाम के पास। ये देखिए, आप लोग दर्शन कर लीजिए, यहाँ पर चांदी के सिंहासन है। और मुख्य मंदिर पहुँच चुके हैं, मुख्य मंदिर से हम लोग इस रास्ते पे आए थे और इसी से वापस चलेंगे। मगर यहाँ पर है जैतखाम खंभार, यानी जोड़ा जैतखाम स्थापना, पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की स्मृति में लिखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर दो दो जैतखाम खंभा जो है, स्तंभ है यहाँ पर है, और वहाँ ऊपर में ध्वजा जो है लहरा रहा है। तो चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं, आप सब ने दर्शन कर लिया, अब आगे चलते हैं। जैसे मंदिर के बाहर निकलते हैं, देखिए यहाँ पर जैतखाम जो खंभा है, स्तंभ है, वो दिखाई दे रहा है। यहाँ से चलते हैं, मेला की पूरी तैयारी हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है आज। और देख लीजिए आप लोग, रविवार का दिन है, रविवार के दिन में भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बाजारें जो है वो सजी हुई हैं। और यहाँ से हम लोग पैदल ही निकल रहे हैं जैतखाम की ओर। पहुंच गए हैं हम लोग जैतखाम स्तंभ यानी खंभे की ओर। यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खूबसूरत नज़ारा हमारे छत्तीसगढ़ की धरोहर का। छत्तीसगढ़ का धरोहर है भाई, और ये कुतुब मीनार से भी, दिल्ली के जो कुतुब मीनार है उससे भी बड़ा है। चलिए अंदर प्रवेश करते हैं, क्या लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सूचना, जय स्तंभ खुलने का समय 10:00 से 5:00 तक, कृपया जूता चप्पल यहीं उतारें। चलिए अंदर प्रवेश करते हैं और ये देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारा है, इतना विशाल है, बहुत ही बड़ा है भाई। ये देखिए, यह है जैतखाम स्तंभ। कई लोग जो है ना वो सवाल करते हैं कि जैतखाम क्या है, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ जैतखाम क्या है। जैतखाम जो है ना वो सतनामियों के सत्य नाम का एक प्रतीक जय स्तंभ है। साथ ही यह सतनाम पंथ की विजय कीर्ति को प्रदर्शित करने वाली आध्यात्मिक पताका है। ये आमतौर पर सतनाम समुदाय के लोगों द्वारा अपने मोहल्ले, गांव में या किसी चबूतरे पर या प्रमुख स्थलों पर खंभे में सफ़ेद झंडा लगा दिया जाता है, जिसे जैतखाम कहा जाता है। और यहाँ कई तरह के धार्मिक क्रियाकलाप भी किए जाते हैं। जैतखाम जो है ना, ये एक शांति का और एकता और भाईचारे का प्रतीक है। गिरौदपुरी में जो जैतखाम खंभा बनाया गया है, जो आप लोग देख सकते हैं, यह सामान्य तौर पर जो जैतखाम बनाया जाता है उससे बिल्कुल अलग है। यह बहुत ही भव्य है, साथ ही इसे बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। गिरौदपुरी का जो जैतखाम आप लोग अभी देख रहे हैं, इसकी जो ऊँचाई है ना, वो दिल्ली के कुतुब मीनार से भी अधिक है भाइयों। इसकी ऊँचाई 77 मीटर यानी 243 फीट है। कुतुब मीनार जो है ना दिल्ली का, वो 72.5 मीटर है यानी 237 फीट ऊंचा है। यहाँ पर सीढ़ियों से ऊपर और नीचे जाने के लिए एक स्पाइरल सीढ़ी बनाई गई है, जिसके अलावा लिफ्ट को विशेष रूप से बुजुर्गों, विकलांगों और बच्चों एवं महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं ना, यहाँ से सीढ़ी बना हुआ है और लिफ्ट भी है। पिछले बार मैं गया था ऊपर लिफ्ट में,
बहुत ज़्यादा स्पीड है वहाँ पर। और ये देखिए आप लोग, इसकी जो डिजाइनिंग है ना बहुत ही सुंदर बना है, छड़ गिट्टी सीमेंट से बना हुआ है और पुट्टी किया गया है बहुत ही सुंदर। नीचे में मार्बल बिछा हुआ है और यहाँ पर शीशे लगे हैं। थक गया दोस्तों, थक गया पूरी तरीक़े से यार। तो चलिए यहाँ से चलते हैं अब वापस अपने गाड़ी के पास। देख रहे हैं ना कितना बड़ा और कितना विशाल है। शाम को 5 बज चुके हैं और मैं आप लोगों को लिफ्ट के माध्यम से ऊपर नहीं ले जा सकता, तो अगले वीडियो पर पक्का मैं आपको इसका पूरा रिव्यू दिखाऊंगा मैं, ठीक है दोस्तों। चलिए भाई, यहाँ पर तो पूरा पानी वानी भरा रहता था, आज सूखा है। ये हमारे साहू सर कहाँ चले गए। तो दोस्तों हमने पूरा मंदिर जैतखाम घूम लिया है, बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग पर। तब तक के लिए बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।